आइए आज हम आपको उन खास खबरों से रूबरू कराते हैं जिनकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस द्वारा की है, जो सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आपसे जुड़ी कुछ अहम बातें हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन खबरों। जनपद मैनपुरी की ईशन नदी में पानी में तैरता हुआ एक पत्थर मिला था जिस पर राम लिखा हुआ था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि यह चमत्कारी पत्थर सतयुग का है जिस पर राम लिखा होने के कारण पानी में तैरता रहा। वीडियो को देख हमारे संवाददाता ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला यह कोई चमत्कारी पत्थर नहीं है, बिल्डिंग में लगने वाली एक खास केमिकल से बनी ईंट का टुकड़ा था जिस पर किसी ने राम लिखकर नदी में फेंक दिया था। लोगों में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से आइए देखते हैं वायरल वीडियो में पड़ताल हमारे संवाददाता अर्जुन सिंह के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल की। मैं मौजूद अभी मैनपुरी और किसनी के बीच में एक गाँव पड़ता है डांडेहार। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी ईशन नदी में एक राम लिखा हुआ पत्थर तैरने की। हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ एक मकान बना हुआ है जिसमें इसी पत्थर को लगाया गया है। इससे पीछे भी एक मकान बना है उसमें भी यही पत्थर लगाया गया है, तो हमने उसको देखा, हमने कि ये तो वही पत्थर लग रहा है। तो हमने उसको, कुछ गांव के लोग थे उनसे उठवा के यहाँ लेके आए, नल के पास में एक डिब्बे में पानी भरा तो उसमें हमने सोचा हमने कि ला हम भी देखते हैं। हमने चलो उस पर राम लिखा हुआ था, एक और वीडियो हमारे साथी थे उन्होंने बनाई थी तो उन्होंने अपना नाम लिख दिया था, इसलिए हमने इस पत्थर पर किसी का नाम नहीं लिखा। हम ये चेक करेंगे कि चलो मान लीजिए किसी के नाम लिखने से पत्थर शायद तैर सकता है, तो इसीलिए हमने इस पर किसी का नाम नहीं लिखा। दिखाएंगे भैया, दिखाओ इधर घुमा के दिखाओ, देखो किसी का नाम नहीं लिखा और इसी तरह का लगभग ये पत्थर था वहाँ। हम डालेंगे इसको, देखिए ये एक लोगों में अंधविश्वास फैला दिया कि राम लिखा हुआ पत्थर पानी में तैरता हुआ मिला है, जबकि ये एक ईंट बनाई गई है जिसको हम लोग मकान बनाने में या सरकारी बिल्डिंग जितनी भी होती हैं उनको बनाने में यूज करते हैं। एक छोटा सा भी है उसको भी लेके आएंगे, डालना भैया इसको भी डालो साथ में, डालना। देखिए ये एक ईंट थी, मतलब सरकारी बिल्डिंग है, अब जितनी भी लगभग बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उनको बनाने के लिए इसी ईंट का प्रयोग लोग बाग करते हैं, जितने भी बिल्डर लोग हैं उसको इसी को मतलब यूज़ करते हैं बनाने के लिए। और लोगों में एक अंधविश्वास फैला दिया कि राम लिखा हुआ पत्थर मतलब तैर रहा था नदी में। कुछ हमारे साथ भैया लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा था भैया आपको? कोई बात नहीं, इधर भैया हैं। हाँ, क्या लग रहा था आपको? अंधविश्वास फैला दिया है, हकीकत हो सकता है ये? तो पता नहीं अंधविश्वास है या क्या है, लेकिन ये पत्थर डूबता नहीं है, ये नहीं डूबता। हाँ, ये तो पूरा मकान ही ऐसा बना दिया, अगर इस पर देखिए ये पूरा मकान ऐसे ही बना है, अगर पूरे मकान को अगर पानी में रख दिया तो तैर जाएगा क्या? बिल्कुल तैरेगा, जब एक ईंट तैर रही है तो पूरा मकान तैरेगा। देखिए तो लोग बाग अगर इसी को अगर पानी में तैरा दें तो इसको भी क्या नाम है राम सेतु बताने लगे कि हाँ भैया राम जी ने वो पुल वगैरह बनाया था। लोगों में अंधविश्वास फैला दिया जाता है, लेकिन ऐसे भ्रम में ना पड़े। कैमरामैन अमर कुमार के साथ अर्जुन सिंह, लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज, मैनपुरी। ऐसी ही सच्ची और बड़ी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए जुड़िए लाइव टीवी एक्सप्रेस से, ताकि हम आप तक सटीक और सही खबर समय पर पहुंचा सकें।